ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका जो नोटिस है संबंध है अगली पार्टी को आप भेजते हो लेकिन वो रिसीव नहीं करता, ओके, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक प्री लीगल टिप, जब कभी भी आप एक कोई भी नोटिस भेजो या फिर कुछ भी ऐसा भेजो तो उसमें एक एडी लगवा लो। एडी स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट नंबर। उससे क्या होता है, एक पता चल जाता है वो जो नोटिस है वो पोस्ट के द्वारा कहाँ पहुँचा है, यानी वो ट्रैक हो जाता है। उसमें एक डिजिट नंबर, कुछ डिजिट्स का नंबर होता है, उससे पता चल जाता है। आप इंडियन पोस्ट की साइट पे जाते हो, वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक लिंक आ जाता है, उसमें डिजिट भरो जो आपने एडी लगाई, उससे वो पता चल जाता है वो कहाँ पहुँचा है। अरे बेटी, तो आप वो लगवाओ, उससे बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर अगली पार्टी रिसीव करके, यानी कि रिसीव करके भी दिखा रही है कि मैंने वो रिसीव नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट में पेस हो के बोलो कि भाई अगली पार्टी रिसीव नहीं कर रही है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप एक दो बार और भिजवाओ, ओके, उसको एक दो और मौके दो। अगर फिर भी वो नहीं मानता है ना, तो आप एक्स पार्टी करवा लो, यानी जो भी आपने नोटिस भिजवाया उसके रिगार्डिंग जो भी आपका मैटर है उसको एक्स पार्टी करवा लो, और अपना एडी लगाओ कि भाई हमने उसको ये भेजा लेकिन वो फिर भी रिप्लाई नहीं देता या फिर आता नहीं है, तो आप इसको एक्स पार्टी कर दो। और मोस्टली यही होता है, 3-4 डेटों के बाद वो एक्स पार्टी ही ऑप्शन होता है। हालांकि एक्स पार्टी को सेट असाइड करवा सकता है अगली पार्टी, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक्स पार्टी करा लो, ओके। अब ये तो हो गई जनरल बात। अब कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपने कुछ चीज़ रिसीव नहीं की, यानी कि आप चुप हो, तो कोर्ट डीम करती है कि जो साइलेंस है ना, वो भी ये डीम करती है कि मान लिया जाता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आपने कोई विरोध नहीं किया, ओके। अब आपने विरोध नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने मान लिया, ये कोर्ट मानती है, ओके, ये कोर्ट मानती है कि अगर आप चुप हो कि आपने कोई रेज नहीं उठाया या ना आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो इसका मतलब आपको पता है और आप चुप हो, आपको नॉलेज है इस बात की, तो आप बिल्कुल सतर्क रहें। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो पार्टी रिसीव नहीं करती है, तो उसको एक नुकसान ये है कि एक्स पार्टी हो सकता है। अगर आप वो वाली पार्टी हो जो रिसीव करते हो या फिर रिप्लाई नहीं बनवाते या फिर रिसीव करने से बच रहे हो, तो आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, आप रिप्लाई बनवाओ। अगर आपको ही दिक्कत होगी, एक्स पार्टी हो गया तो आपको ही दिक्कत होगी, ओके। तो ये मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया, सो आई होप यू गॉट इट एंड अप्लाई इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।